बच्चों, आज हम बात करेंगे एक इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट इंसेक्ट के बारे में। वैसे तो बहुत सारे इंसेक्ट को आप जानते हैं जो बहुत हार्मफुल हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन यह एक इंसेक्ट है। इसका नाम है सिल्कवर्म बॉम्बिक्स मोरी। यह इंसेक्ट बहुत ही यूजफुल है क्योंकि यह हमारे लिए सिल्क देता है। आजकल सिल्क इंडस्ट्री, सेरिकल्चर इंडस्ट्री डेवलप हुआ है, गांव में भी सेरिकल्चर का काम हो रहा है, लोग उद्योग पाए हुए हैं। यह माथ जो है, सिल्क माथ, इसका जो लार्वा होता है, यह लार्वा शहतूत की पत्तियों को खाता है। शहतूत की पत्तियों को खाने के बाद और अपने अंदर से एक सेक्रेटरी मटेरियल निकाल करके अपने चारों तरफ लपेट लेता है, वो कोकून बन जाता है। कोकून क्या है? यह सिल्क का धागा ही है। और इसके अंदर लार्वा फिर धीरे 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 मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट में बदलता है और इसको कट करके बाहर निकल जाता है सिल्क माथ के रूप में। लेकिन सेरिकल्चर इंडस्ट्री में क्या करते हैं, जैसे ही ये लार्वा बना, अंडे से लार्वा बना, और लार्वा जो है सिल्क तशद्दुद की पत्ती को खाएगा और जब बड़ा होगा, ग्रो करेगा, फिर एक कोकून बनाएगा, तो कोकून को गर्म पानी में डाल देते हैं और इसका ये जो है लार्वा ख़त्म हो जाता है और इसको कोकून से हम धागे ले लेते हैं। आजकल एक अहिंसा सिल्क चला हुआ, इसमें क्या करते हैं कि लार्वा को सिल्क बनाने के बाद, कोकून बनाने के बाद, इसको पानी में नहीं डालते, वो इसे ही छोड़ देते हैं। वो कोकून को कट करके सिल्क माथ बाहर निकल जाएगा, फिर उस छोटे छोटे धागों को लेकर के जोड़ करके बड़े बड़े हम धागे बना लेते हैं। तो इंसेक्ट भी बना रहा, बचा रहा है, और हमें धागे भी मिल जाते हैं। तो दोनों विधियों से हम सिल्क को प्राप्त करते हैं। और यह जो है सिल्क वर्म है, बॉम्बिक्स मोरी फाइलम आर्थ्रोपोडा का एनिमल है, इसका उपयोग हम करते हैं। आजकल बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े पैमाने पे आजकल सिल्क बनाने में, सिल्क उद्योग में इसका इस्तेमाल हो रहा है, सेरिकल्चर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल हो रहा है। थैंक यू।